स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। विश्वव्यापी कोरोना संकट का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों पर जो खाने कमाने के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे। लॉकडाउन में फंसे ऐसे मजदूरों की अब घर वापसी हो रही है। भूपेश सरकार की ओर से मजदूरों को सुरक्षित लाने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले मजदूरों से प्रदेश में कोरोना का खतरा न फैले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लिहाजा उसके लिए प्रयास सरकार कर रही है, और क्या क्या प्रयास किया जा रहा है आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट, लॉकडाउन में फंसे राज्य के मजदूरों का घर वापसी हुआ शुरू। भूपेश सरकार ने की पुख्ता तैयारी, मजदूरों को सुरक्षित रखने का इंतजाम, स्क्रीनिंग से लेकर क्वारंटाइन तक की व्यवस्था, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहने के निर्देश। जी हाँ, भूपेश सरकार घर वापसी करने वाले मजदूरों को लेकर बेहद संजीदा है। कोरोना प्रभावित राज्यों से लौटने वाले मजदूरों से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार हर स्तर पर सुरक्षित ढंग से इंतजाम कर रही है। सरकार सभी जिलों में विशेष व्यवस्था कर रही है। सीमावर्ती इलाकों में मजदूरों के प्रवेश के दौरान ही उनकी स्क्रीनिंग से लेकर क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। जानिए क्या क्या निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग, पड़ोसी राज्यों से आने के लिए बस व्यवस्था, सीमावर्ती इलाकों में विशेष जांच पड़ताल, हर एक मजदूर का पूरी तरह से स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को क्वारंटाइन करना, मजदूरों के ठहरने और खाने का उचित इंतजाम, सभी जिले में विशेष व्यवस्था और अस्पताल, कलेक्टर की रहेगी विशेष जवाबदारी। हमारे सभी श्रमिकों के हित में उनको अलग अलग प्रदेशों से लाने का जो कार्य योजना बनाई गई है उसको अमल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का एक टीम भी राज्य शासन द्वारा नियुक्त की गई है। जैसे जैसे हमें वहाँ से राज्यों से और भारत सरकार से ट्रेन चलाने की अनुमति या बस लगाने की अनुमति मिलेगी, वैसे वैसे हम हमारे श्रमिक और अन्य लोगों को लाने का व्यवस्था किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घर वापसी करने वाले मजदूरों को लेकर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कहीं से अगर कोई शिकायत आई तो सही पाई गई तो फिर जिम्मेदार कलेक्टर ही होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने हर एक नागरिकों से अपील भी की है कि जो कोई बाहर से आ रहा है और अगर इसकी जानकारी है तो प्रशासन को अवश्य दें। मजदूरों से भी यही निवेदन किया गया है कि अपनी हर जानकारी सरकार से साझा करें, किसी भी तरह की जानकारी ना छिपाएं। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है, तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। वास्तव में अगर देश के अन्य राज्यों की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से कहीं बेहतर स्थिति में है, और ऐसा संभव हो पाया है सरकार की ओर से समय रहते उठाए गए कदमों से। हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे राज्य के प्रत्येक लोग सरकार के साथ अपनी जवाबदेही को भी समझेंगे। कोरोना संकट को खत्म करने में, वायरस से बचने में हर किसी का योगदान अमूल्य है, अतुलनीय है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री कहते हैं, रहेंगे सजग, करेंगे सतर्क, हर क्षण हर वक्त कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग, मिलकर आप सबके संग। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और अब बात करते हैं सागर के